फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी सभा के जहां में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। और आप सबकी फरमाइश पे आज अम्मी आ गई है अपने मटर पुलाव की रेसिपी बताने के लिए, जिसकी बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी और हम लोगों को वक्त नहीं मिल पा रहा था ये रेसिपी बताने का। तो आज हमने अम्मी से कहा, वैसे भी अम्मी जुमे को कुछ ना कुछ अच्छा बनाती है और मटर पुलाव तो बनाती है ना, क्योंकि भाई जब भी वैसे तो डाइट करते हैं लेकिन जुमे की नमाज के बाद वो कहते हैं कि अम्मी कुछ क्या बनाए अच्छा खाने में, ना बताओ। हाँ, तो हम अच्छा ही बनाते हैं उस दिन। हाँ, तो हमने सोचा कि आज बना भी लेते हैं और आप सबको दिखा भी देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। तो जैसा बना बनाएंगे। हाँ, आप पता है वो क्या होता है ना कि एकदम अम्मी को क्या है कि अम्मी ना हमेशा जो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, आप सब भी रिलेट करेंगे, वो लोग क्वांटिटी नहीं देखते, वो लोग क्या देखते हैं अंदाजे से हर चीज डालते हैं। तो अम्मी को गिन के बताने के लिए बहुत वो लगता है। हाँ, आज मैं पहली बार ऐसे बना रही हूँ, नाप के हर चीज करके। हाँ, तो बाकी सब ऐसे भर के बना देते हैं, बहुत अच्छा बनता है। हाँ, तो अभी हमने अम्मी से कहा कि पहले आप अंदाजे से सब निकाल लो, फिर हम लोग उसको थोड़ा सा देख लेंगे कि आप सबको किस तरह से बताना है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि आपको क्या क्या चीजों की जरूरत। सबसे पहले फ्रेंड्स, मटर पुलाव बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी चावल की। आप किसी भी तरह के चावल ले सकते हैं, आप जो खाते हैं। हमने इसे हल्का सा भिगो के रखा है क्योंकि ये थोड़े दूसरे वाले चावल है, जो नॉर्मल हम खाते हैं ये वो चावल नहीं है। और उसके बाद मटर की, तो अम्मी हमने कितने चावल लिए हैं? आधा किलो से थोड़ा ज्यादा है, मतलब आधा किलो ढाई पाव। ठीक है, और उसमें हमने ये पाव किलो मटर लिए है। ठीक है, अभी हम यहाँ आ जाते हैं मसालों पे। तो अभी ये तीन प्याज, हाँ, तीन टमाटर, चार हरी मिर्ची, थोड़े मोटे वाले बड़े वाले जीरा, दो तीन तेज पत्ता, काली मिर्च, एक फूल दालचीनी बस। अच्छा, तो ये दालचीनी हो गई इतनी, मतलब एक टुकड़ा भी आप ले सकते हैं। हाँ, दो इलायची है तीन, और ये पत्ते हैं, ये जीरा, ये बगरी, किस तरह से डालेंगे वो आपको दिखाते जाएंगे। और आपको जरूरत पड़ेगी ये जिसमें काली मिर्च है, थोड़ी सी काली मिर्च है, सही जीरा है इसमें, वो जो छोटे वाले जीरा होते हैं वो है। हाँ। और उसके बाद ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये दो बड़े चम्मच। हाँ, हाँ। खाने वाले टेबल स्पून। हाँ। से एक चम्मच सौंफ, दो चम्मच भर के गरम मसाला। नंबर वन, जो प्याज हमने ली थी, आप दो बड़ी प्याज या तीन छोटी छोटी प्याज को इसमें डाल लेंगे। और ये जो काली मिर्च ली थी ये आधा चम्मच होगी, और शाही जीरा। हाँ, ये भी इसमें पीस देंगे ये डाल के। तो फ्रेंड्स, ये पीस के कुछ इस तरह दिखेगा। पीसने के लिए थोड़ा सा सिर्फ पीसने भर के लिए पानी डाल, और शाही जीरा के साथ साथ सौंफ भी पीसेगी। तो हम लोग इसे डाल के फिर से एक बार पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पीस के कुछ इस तरह दिखेगा। गर्म हो चुका है और अम्मी इसमें तेल डाल रही है। हम लोग ऑलिव ऑयल ज्यादा खाते हैं, आप अपना कोई भी तेल खा सकते हैं। तो ये अम्मी बड़े वाले, अम्मी आप क्या डाल रही हो? जीरा बड़े वाले और तेज पत्ता। हाँ? दालचीनी के दो टुकड़े, दो ये बड़ी इलायची, एक फूल बस, तेज पत्ता। फ्रेंड्स, ये चिटचिट होगा तो थोड़े दूर रहे हैं। और अभी जब जैसे ही थोड़ा तेल में जाएगा, उसके बाद जो पेस्ट बना के रखा था प्याज का, प्याज और वो सब चीजों का, वो डाल। वो और फ्रेंड्स, उसके बाद अदरक लहसुन, अब फ्रेंड्स हमने कट करके और मिर्ची टमाटर हम उसमें डाल देंगे जो हमारा मसाला बन रहा था, और उसे थोड़ी देर के लिए चलाएंगे। और उसी में हम मटर डाल देंगे जो कि ग्रीन पीस हमने शुरू में आपको बताया। तो फ्रेंड्स, ये जो गैस पे सारा मसाला चढ़ा है ये अच्छे से अभी अम्मी के हिसाब से हो गया बना हुआ सारी फ्रेंड्स। अभी कुकर में सीटी आने का इंतजार दिख रहा है, इसे मिक्स कर लो। हाँ फ्रेंड्स, काश आप खुशबू सूंघ सकते, जरूर बनाओ आएंगे तो वो अपना बना के बताएंगे, बार बार सिखाएंगे हम उनको। ठीक है, और मुझे दही के साथ भी अच्छा लगता है। नहीं, दही नहीं है, नहीं, इसका ये चटनी से।